नमस्कार दोस्तों, छोटू मम्मी किचन में आप सबका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे मसाला भिंडी। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। इसके लिए हमें चाहिए बारीक कटे हुआ प्याज। ये मैंने 4-5 प्याज ले लिया और इनको बारीक बारीक काट लिया। आधा केजी भिंडी, इनको मैंने पहले से ही धो लिया और लंबे लंबे पीसीज में काट लिया है। 8-10 कलियाँ लहसुन की और एक टुकड़ा अदरक का, इसको हमने पीस लिया। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं। मैं अपनी गैस को ऑन करती हूँ और इसके ऊपर हमने रख ली अपनी कढ़ाई और डाल दिया सरसों का तेल। आप चाहे तो रिफाइंड में भी बना सकते हो, लेकिन मैं सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। अब इसको अच्छे से गर्म होने दीजिएगा। हमारा तेल गर्म हो गया है, देखना धुआं निकल रहा है। अब मैं इसके अंदर डालती हूँ अपनी ये बारीक कटी हुई भिंडी। गैस को मीडियम रखना आपने और इनको हल्की सी भूंज लेना है। पाँच मिनट भूंज जाएंगे, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। हल्टी पल्टी करते रहना, इसको भूंज लेना। बीच बीच में आप इसको थोड़ी हल्टी पल्टी कर लेना ताकि एक तरफ से ये गलेगी नहीं। ऐसे चलाते रहना बीच बीच में। 5 मिनट में बन जाएगी, ये ज़्यादा टाइम नहीं लगता। ये देखना हमारी भिंडी भूनकर बिल्कुल तैयार हो गई है। अब मैं इसको एक डोंगे में निकाल लेती हूँ। इससे ज़्यादा नहीं भूननी है आपने इसको। अब मैं इसके अंदर थोड़ा तेल और डालती हूँ। इसको भी आप तेज गरम कर लेना, धुआं निकले तब तक। देखना हमारा तेल गरम हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ जीरा और ये कटे हुए प्याज। अब इनको भी आपने ब्राउन होने तक भून लेना है। यहाँ पे गैस आप हाई रखो या मीडियम रखो, कोई दिक्कत नहीं है। बीच बीच में इसको चलाते रहना ताकि एक तरफ से ये जलेंगे नहीं। ये देखना हमारा प्याज हल्का ब्राउन हो चुका है। अब इसके अंदर मैं डाल रही हूँ ये अदरक और लहसुन का पेस्ट और इसको भी आप अच्छे से मिक्स कर लेना। पाँच मिनट तक ऐसे भून लेना इसको।
देखना हमारा अदरक लहसुन और प्याज भूनकर बिल्कुल तैयार है। अब मैं इसके अंदर डाल रही हूँ अपने सूखे मसाले, एक चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच लाल मिर्ची, दो चम्मच धनिया पाउडर और एक चम्मच आमचूर। आमचूर इसमें ज़रूरी है डालना खट्टाई के लिए, अगर आपके पास आमचूर नहीं है तो नींबू डाल देना और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना। और अब एक चम्मच मैं डाल रही हूँ इसके अंदर गरम मसाला। और इसको भी अच्छे से मिक्स कर लो। अब हम इसके अंदर डाल रहे हैं अपनी ये फ्राई की हुई भिंडी और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस को मीडियम ही रखना है, हाई फ्लेम नहीं रखना। अब इसको आप 2 मिनट के लिए ढक के पकाना, सिर्फ 2 मिनट के लिए। अब 5 मिनट हो गए हैं, हम अपनी सब्जी को चेक करते हैं। ये देखना हमारी मसाला भिंडी बनके बिल्कुल तैयार है। अब मैं गैस बंद कर देती हूँ। आप भी अपने घर में एक बार ज़रूर बनाना और बच्चों को खिलाना, बहुत खुश होके खाते हैं इसको। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।